हेलो दोस्तों वेलकम बैक माय चैनल सक्सेस कोचिंग सेंटर तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 3.3 के एग्जाम्पल करा चुकी हूं और साथ ही आपको बता चुकी हूं कि आवयु का परिवर्तन कैसे निकालते हैं ओके तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी पहले आप जाकर उस वीडियो को देखिए उसके बाद यहाँ पर समझे तो उससे क्या होगा आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा और आप क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी वे से कर लेंगे तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है यहाँ पर हमें कुछ मैट्रिक्स दिए गए हैं इनमें से हमें क्या करना है प्रत्येक मैट्रिक्स का परिवर्त ज्ञात करना है परिवर्त को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोज और परिवर्तन में हम क्या करते हैं रो को कॉलम में चेंज कर, कर देते हैं और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं ओके तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें एक आवे दिया है फाइव वन बाई टू माइनस वन आप चाहें तो आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं देखिए आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं कि माना ए बराबर अपने मैट्रिक्स को हमने लिख दिया फाइव वन बाई टू और माइनस वन ओके okay. और उसके बाद आप क्या करें आप डायरेक्ट इसके लिख दें परिवर्त परिवर्त को डिनोट करते हैं डैश से तो ये डैश बराबर क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा रो कॉलम में चेंज हो जाएंगे तो फाइव फाइव फा, वन बाई टू और माइनस वन ये कॉलम में दिया हुआ है किस में चेंज हो जाएगा रो में तो फाइव वन बाई टू और माइनस का वन बस सॉरी ये ब्रैकेट बस यहीं तक बनाना आपको ये हो जाएगा इसका आंसर या फिर आप क्या कर सकते हैं आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं क्या करना है इसका परिवर्तन ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे आव का परिवर्त बराबर तो वन और माइनस वन ये पहली पंक्ति में है अभी किस में हो जाएंगे स्तंभ में ये दूसरी पंक्ति में है ये किस में हो जाएंगे स्तंभ में बस ओके तो आपकी मर्जी आप दोनों तरीके से जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं दोनों ही तरीके से आपका क्वेश्चन करेक्ट माना जाएगा तो यहाँ पर हमें क्या करना है यहाँ पर हमें मैं आप दूसरे मैथड से कर रही हूँ आव का परिवर्तन लिख के डायरेक्ट आव्यू का क्योंकि मैंने स्पेस इतना ही छोड़ा है आंसर लिखने में कि डायरेक्ट मैं इसका आंसर लिख दूँ तो इस आवि का परिवर्तन क्या हो जाएगा देखिए पहली पंक्ति में माइनस वन फाइव और सिक्स अभी किस में लिखे जाएंगे स्तंभ में तो स्तंभ में ऐसे लिखते हैं ना तो लिख देंगे माइनस वन उसके बाद फाइव उसके बाद सिक्स दूसरी पंक्ति कैसे लिखेंगे अंडर रोड थ्री देन फाइव देन सिक्स अब तीसरी पंक्ति को किस में लिखना है स्तंभ में चेंज करना है तो लिखिए टू देन थ्री देन माइनस वन तो ये हो गया हमारा आंसर तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिए क्वेश्चन नंबर टू इसमें हमें ए और बी दो आज दिए हैं और तो हमें सिद्ध करना है पहले में तो ए प्लस बी का होल्ड एस इक्वल्स टू ए डैक्स बी डैक्स सेकेंड में ए माइनस बी का होल्ड एक्स इक्वल्स टू ए डैक्स माइनस बी डैस इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको एक्जाम्पल में कराया है तो जिन्होंने वीडियो देखी उन्हें है उन्हें ईजीली समझ में आ जाएगी जिन्होंने नहीं देखी कोई बात नहीं उन्हें भी समझ में आ जाएगा तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम ए प्लस बी निकाल लेंगे ठीक है फिर लेफ्ट हैंड साइड लेके इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो सबसे पहले ए प्लस बी निकालते हैं तो देखिए हम सबसे पहले पहले क्वेश्चन का आंसर करना हैं पहले क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है ए प्लस बी का होल डैश इक्वल्स टू ए डैश प्लस बी डैस तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए प्लस बी ए की वैल्यू क्या दी हुई है माइनस वन फाइव माइनस टू टू सेवन वन थ्री नाइन वन और प्लस कर देना है बी की वैल्यू माइनस फोर वन एंड वन वन टू थ्री माइनस फाइव ज़ीरो एंड वन ओके जोड़ना हम सभी को आता है क्या करते हैं जोड़ते टाइम आमने सामने कभी जोड़ देते हैं तो माइनस का वन और माइनस का फोर इज माइनस का फाइव टू प्लस वन थ्री थ्री माइनस फाइव माइनस टू फाइव प्लस वन सिक्स सेवन प्लस टू नाइन नाइन प्लस ज़ीरो नाइन माइनस टू प्लस वन इज माइनस वन वन प्लस थ्री फोर वन प्लस वन टू तो ये हमारा क्या आ गया ए प्लस बी अब हम क्या लिखेंगे अब हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है ए प्लस बी का होल डैश ए प्लस बी का डैश और इस डैश का मतलब क्या होता है परिवर्तिया ट्रांसपोज क्लियर तो क्या करते हैं हम डैश में हम रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं तो ये हमारी पहली पंक्ति है फर्स्ट रो इसे हम किस में लिख देंगे कॉलम में लिख देंगे तो कैसे लिखेंगे माइनस फाइव उसके नीचे थ्री उसके नीचे माइनस टू ओके देन सिक्स उसके बाद नाइन उसके बाद नाइन थर्ड में माइनस वन दैन फोर एंड देन टू तो इस तरीके से हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड निकाल ली है अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड निकालने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए ए डैस एड एस क्या होगा ए का परिवर्त और ए का ए क्या है ए की वैल्यू हमारी ये रही तो माइनस वन टू और थ्री अब इसे किस में लिख देंगे स्तंभों में ओके okay? उसके बाद दूसरे स्तंभ में क्या दिया फाइव सेवन नाइन तो इसे भी हमें किस में लिख देना है स्तंभ में दूसरी पंक्ति को किस में चेंज कर दिया स्तंभ में अब तीसरी पंक्ति को चेंज करेंगे स्तंभ में तीसरी पंक्ति में दिया हुआ है माइनस टू वन एंड वन ये हमारा एडास हो गया इसी तरीके से हम बी डैस निकालेंगे बी डाश में भी हम क्या करेंगे पंक्ति को रो में चेंज कर देंगे तो देखिए पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे तो यहाँ पर पहली पंक्ति क्या है माइनस फोर उसके बाद वन उसके बाद फाइव तो इस तरीके से हमने पंक्ति को स्तंभ में लिख दिया अब दूसरी पंक्ति को स्तंभ में लिखेंगे वन देन टू देन जीरो उसके बाद तीसरी पंक्ति को स्तंभ में लिखेंगे तीसरी पंक्ति क्या है वन उसके बाद थ्री उसके बाद वन तो इस तरीके से हमने अपने एडास और बीडास निकाल लिए हैं अब हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड लेंगे राइट हैंड साइड में क्या करना है एडास प्लस बीडास करना है तो बस यही कर देते हैं तो हम लिखते हैं अब यहाँ पे राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड में हमें निकालना है एडास प्लस बीडास. तो ए डैस और बी डैस की वैल्यू हमने निकाल ली है कैसे आई है आपको पता है फिर भी यदि किसी को समझ में आई हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस वन फाइव माइनस टू टू सेवन वन थ्री नाइन वन इसमें हमें क्या कर देना है इसमें हमें जोड़नी है बी की वैल्यू बी की वैल्यू क्या है माइनस फोर वन माइनस फाइव वन टू जीरो वन थ्री एंड वन ओके तो इतना करने के बाद अब क्या करना है अब इन्हें सिंपली जोड़ देना है तो इन्हें जोड़ने पर क्या आएगा माइनस वन और माइनस फोर इज़ माइनस फाइव फाइव प्लस वन सिक्स माइनस टू एंड वन माइनस वन टू प्लस वन थ्री सेवन प्लस टू नाइन वन और थ्री फोर थ्री और माइनस फाइव इज माइनस टू नाइन प्लस जीरो नाइन और वन प्लस वन टू तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी राइट हैंड साइड है एंड देखिए ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल है तो बस हम लास्ट में लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड और बस यही करना था हमें प्रूव्ड ओके okay? तो इस तरीके से हमने प्रश्न नंबर टू का क्वेश्चन नंबर वन कर लिया है अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है देखो सेकंड क्वेश्चन में प्रूव करना है ए माइनस बी का होल डैस इक्वल्स टू तो ए डैस माइनस बी डैस तो सबसे पहले हम ए माइनस बी निकालेंगे फिर लेफ्ट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड में उसको डैस निकाल देंगे देन ए डैस और बी डैस निकालेंगे और फिर उनका क्या कर देंगे राइट हैंड साइड निकाल देंगे तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए इसमें हमें क्या करना है सेकंड क्वेश्चन में ए माइनस बी का डैश बराबर हमें प्रूफ करना है ए डैश माइनस बी डैश तो उसके लिए हमें क्या चाहिए लेफ्ट हैंड साइड के लिए ए माइनस बी तो पहले हम ए माइनस बी की वैल्यू निकाल लेते हैं जहाँ पर ए क्या है हमारे पास ए है माइनस वन फाइफ़ माइनस टू टू सेवन वन थ्री नाइन वन ओके माइनस कर देंगे बी से बी की वैल्यू क्या है माइनस फोर वन 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 टू थ्री माइनस फाइव ज़ीरो एंड वन क्लियर तो अब हम क्या करेंगे इन्हें माइनस कर देंगे तो देखिए माइनस वन माइनस वन में माइनस करना है माइनस का फोर टू में माइनस करना है वन थ्री में माइनस करना है माइनस का फाइव फाइव में माइनस करना है वन सेवन माइनस टू नाइन माइनस ज़ीरो माइनस टू और माइनस वन वन माइनस थ्री वन माइनस वन इसे सोल्व करने पे क्या आ जाएगा माइनस का वन और प्लस का फोर इस थ्री टू माइनस वन वन थ्री और माइनस माइनस प्लस एट फाइव माइनस वन फोर सेवन माइनस टू फाइव नाइन माइनस जीरो नाइन माइनस टू और माइनस वन माइनस थ्री वन माइनस थ्री माइनस टू वन माइनस वन ज़ीरो आ गई हमारी ए माइनस बी की वैल्यू अब हमें क्या करना है अब हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है ए माइनस बी का डैस कर देना है डैस मतलब इसका परिवर्त क्या करना है तो इसका परिवर्त कर देंगे तो परिवर्त करने पे क्या लिख देंगे ये हमारी पहली पंक्ति है इसी स्तंभ में लिख देंगे अब दूसरी पंक्ति को स्तंभ में लिख देंगे और अब तीसरी पंक्ति को भी स्तंभ में लिख देंगे तो ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड अब हमें राइट हैंड साइड के लिए चाहिए एडास और बीडास तो सबसे पहले हम एडास और बीडास निकालते हैं तो एडास बराबर क्या हो जाएगा एडस बराबर हो जाएगा माइनस वन टू और थ्री ये किस में लिखा जाएगा स्तंभ में उसके बाद दूसरी पंक्ति क्या है फाइव सेवन नाइन फाइव सेवन नाइन ये दूसरा स्तंभ बन गया अब तीसरी पंक्ति है टू वन वन तो ये क्या बन जाएगा तीसरा स्तंभ बन जाएगा इसी तरीके से हम निकालेंगे बी डैश बी डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बी डैश में पहली पंक्ति है माइनस फोर वन माइनस फाइव माइनस फोर वन माइनस फाइव पहला स्तंभ अब दूसरी पंक्ति स्तंभ में चेंज होगी वन टू और जीरो फिर तीसरी पंक्ति स्थम में चेंज होगी तो वन थ्री वन वन थ्री वन क्लियर ओके तो अब हम लिखेंगे राइट हैंड साइड तो देखिए राइट हैंड साइड में हमें क्या करना है ए डैस माइनस बी डैस तो ए डैस की वैल्यू अभी हमने निकाली है माइनस वन फाइव माइनस टू टू सेवन वन ये माइनस टू अलग है कभी आप सोचें कि इसी में घटा दें ये तीसरे कॉलम में लिखा हुआ है माइनस उसके बाद माइनस फोर वन और माइनस फाइव वन टू और ज़ीरो वन थ्री वन अब हम इन्हें माइनस करेंगे तो माइनस करने पे क्या आ जाएगा माइनस वन माइनस और माइनस का फोर फाइव माइनस वन माइनस टू माइनस वन उसके बाद टू माइनस वन सेवन माइनस टू वन माइनस थ्री थ्री माइनस और माइनस का फाइव नाइन माइनस जीरो वन माइनस वन ओके इसे सोल्व करके आ जाएगा हमारे पास माइनस फोर ओके तो माइनस वन और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस वन और प्लस थ्री यहाँ पाएगा थ्री माइनस का प्लस का क्योंकि ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया प्लस माइनस का वन और प्लस के फोर तो प्लस के थ्री फाइव माइनस वन फोर उसके बाद माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री टू माइनस वन वन सेवन माइनस टू फाइव माइनस टू एट नाइन और जीरो तो आप चेक कर सकते हैं ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है तो ये दोनों बिल्कुल इक्वल आई हैं तो यानी इक्वल आ गई है लेफ्ट हैंड साइड के और बस ये हमें करना है प्रूफ तो हमारा क्वेश्चन टू कंप्लीट देखिए प्रश्न नंबर थ्री प्रश्न नंबर थ्री में हमें क्या करना है जैसे भी हमने प्रश्न नंबर टू को सॉल्व किया है सेम पैटर्न प्रश्न नंबर थ्री बेस्ड है बट लेकिन प्रश्न नंबर दो में हमें ए और बी की वैल्यू दी थी लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है ए डैस राइट और ए डैस दिया हुआ है हमें और ए डैस से ए कैसे बनाते हैं तो मैंने आपको बताया था अभी जब मैंने पिछली वीडियो में जिसमें उदाहरण कराया उसमें तो आपको बता चुकी हूँ कि यदि हम ए डैस का डैश कर दें तो वो वैल्यू किसके बराबर होती है ए के और इस पर बेस्ड मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी कराया है ठीक है चलिए फिर भी मैं आपको देखो दिखा देती हूँ देखिए मैंने सम्मित व समसमित आवे में बताया था देखिए अब क्या करना है मान लीजिए ए इक्वल्स टू है वन टू थ्री फोर क्लियर अब मैंने इसका निकाला डैश तो डैश में क्या हुआ रो कॉलम में चेंज हो गया यानी वन थ्री और ये भी कॉलम बन गई टू फोर क्लियर और मैं इसका फिर से डैश निकाल दूँ तो क्या हो जाएगा अब ये किस में चेंज हो जाएगी कॉलम में और ये किसमें चेंज हो जाएगी पंक्ति में तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये और ये इक्वल आ गई ना तो बराबर किसके आ गए ए के यानी अगर हम ए डैस का फिर से डैस कर देते हैं तो वैल्यू किसके बराबर आ जाती है ए के तो सेम अभी सेम प्रोसेस हमें अभी यहाँ पर फॉलो करना है तो हमें क्या करना है ए डैस का डैस निकालना है तो किसके बराबर आ जाएगा ए के तो क्योंकि हमें दिया है हमें ए की वैल्यू चाहिए इनको सोल्व करने के लिए राइट तो हमें दिया है ए डैस इक्वल्स टू थ्री माइनस वन ज़ीरो फोर टू वन तो हम क्या करेंगे इसका फिर से डैश निकाल देंगे फिर से डैश निकालने पे क्या हो जाएगा थ्री और फोर किस में हो जाएंगे अब ये स्तंभ में राइट माइनस वन और टू यहाँ पर क्या हो जाएगा जीरो और वन और ये किसके बराबर माना जाएगा ए के क्लियर तो ए की वैल्यू हमारी ये है ध्यान से देखिएगा बी की वैल्यू ये है ए डैश की ये है तो अभी हम जैसे कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फर्स्ट में हमें क्या करना है ए प्लस बी का डैश इक्वल्स टू हमें प्रूव करना है ए डैश प्लस बी डैस तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमें पहले चाहिए ए प्लस बी तो ए की वैल्यू हमने अभी निकाली है ये रही थ्री फोर माइनस वन टू ज़ीरो एंड वन इसमें हम प्लस कर देंगे बी की वैल्यू बी की वैल्यू ये दे रखी तो मैं लिख देती हूँ बी की वैल्यू क्या हो गई देखिए B की वैल्यू माइनस वन वन टू टू वन और थ्री और हम इन्हें ऐड करके लिखेंगे थ्री माइनस वन टू माइनस वन प्लस टू वन ज़ीरो प्लस वन वन फोर प्लस वन फाइव टू प्लस टू फोर वन प्लस थ्री फोर ओके गोट इट अब हम अपने लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें ये दिया हुआ है ए प्लस बी का होल डैस तो होल डैश का मतलब क्या होता है इसका परिवर्त तो ए प्लस बी की वैल्यू तो हमारी ये रही इसका हमें क्या कर देना है परिवर्त कर देना है तो इसका परिवर्त करेंगे तो टू वन वन ये भी पंक्ति में लिखा हुआ है किस में लिख जाएगा स्तंभ इस में इसी तरीके से दूसरा पंक्ति में लिखा हुआ है किस में लिख जाएगा स्तंभ में तो बस ये हमारे आगे लेफ्ट हैंड साइड अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं राइट हैंड साइड में हमें ए डैस प्लस बी डैस करना है तो एडास हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है ये देखिए माइन थ्री माइनस वन जीरो फोर टू वन क्लियर तो यहाँ से मैंने डायरेक्ट लिख दिया या फिर आप यहाँ से भी समझ सकते हैं ये ए की वैल्यू है ना तो इसको ट्रांसपोज करो तो ए डैस आ जाएगा तो थ्री माइनस वन जीरो थ्री माइनस वन ज़ीरो फोर टू वन प्लस बी डैस कितना दिया हुआ है ये हमारी बी की वैल्यू है ये हमने ए की लिखी थी प्लस बी की वैल्यू लिखी थी तो मैं यहाँ से A और बी की वैल्यू ले रही और कुछ नहीं कर रही ठीक है तो ये बी डैस तो इसका हम डैस कर देंगे तो माइनस वन टू और वन जो पहली पंक्ति है वो स्तंभ में चेंज हो गई अब दूसरी पंक्ति भी किस में चेंज हो जाएगी स्तंभ में तो ये इक्वल्स टू क्या आ जाएगा थ्री माइनस वन टू फोर प्लस वन फाइव माइनस वन और प्लस टू वन टू प्लस टू फोर जीरो प्लस जीरो प्लस वन वन और थ्री प्लस वन फोर तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड साइड है ये राइट हैंड साइड है तो क्या हुआ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू आगे राइट हैंड साइड के तो इस तरीके से हमारा इसका क्वेश्चन नंबर वन प्रूव हो गया अब हम इसका सेकंड को पार्ट प्रूव करेंगे कि ए माइनस बी का होल एस इक्वल्स टू ए डैस माइनस बी डैस तो, तो देखिए सेकंड में हमें प्रूव करना है ए माइनस बी का होल एस इक्वल्स टू ए डैस माइनस बी डैस तो हमें क्या करना है हमें लेफ्ट हैंड साइड के लिए ए माइनस बी की वैल्यू चाहिए तो हम पहले हम वही निकाल लेते हैं ए माइनस बी ए क्या दिया हुआ है ए हमने अभी निकाला था देखिए ए क्या है थ्री फोर माइनस वन टू जीरो वन थ्री फोर माइनस वन टू जीरो वन माइनस बी क्वेश्चन में दिया हुआ ऑलरेडी माइनस वन वन टू टू वन एंड थ्री अब इन्हें माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा थ्री माइनस और माइनस का वन यानी थ्री प्लस वन फोर माइनस वन और माइनस का टू माइनस का थ्री जीरो माइनस वन माइनस वन फोर माइनस वन थ्री टू माइनस टू ज़ीरो वन माइनस थ्री माइनस का टू ओके आप क्या लिखेंगे आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है ए माइनस बी का डैश तो बस ए माइनस बी की वैल्यू ये रही इसका डैश कर दीजिए डैश मतलब परिवर्त परिवर्त में क्या करते हैं पंक्ति को स्तंभ से चेंज कर देते हैं तो पहली पंक्ति स्तंभ में लिख दीजिए दूसरी पंक्ति को भी स्तंभ में लिख दीजिए तो ये हमारे आगे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू अब हमें राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालनी है बट उसके लिए क्या चाहिए ए डैस ए डैस हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है थ्री माइनस वन जीरो फोर टू वन तथा बी डैस हम निकाल लेते हैं वैल्यू से तो देखो बी की वैल्यू ये रही डैस निकालो इसका माइनस वन टू और वन किस्म आ जाएगा ब्रो में और वन टू थ्री तो ए डैस और बी डैस मिल गए अब हम लिख सकते हैं अपने राइट हैंड साइड जो कि क्या है ए डैस माइनस बी डैस तो ए डैस कितना है थ्री माइनस वन ज़ीरो फोर टू वन इसमें से माइनस करना है बी डैस कितना है माइनस वन टू वन वन टू थ्री ओके अभी निकल देंगे माइनस तो माइनस का नाम सभी जानते हैं आमने सामने के को माइनस कर देते हैं थ्री माइनस और माइनस का वन फोर माइनस वन माइनस वन माइनस टू टू माइनस टू ज़ीरो माइनस वन वन माइनस थ्री इसे सोल्व करके लिखिए थ्री माइनस से माइनस कर जाएगा प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर थ्री प्लस वन फोर फोर माइनस वन थ्री माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री टू माइनस टू ज़ीरो ज़ीरो माइनस वन माइनस का वन वन माइनस थ्री माइनस का टू ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रही हमारी लेफ्ट हैंड साइड और ये रही राइट हैंड साइड ये बिल्कुल इक्वल है तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड तो ये क्या हो जाएगा हमारा इजिली प्रूव्ड ओके अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर इसमें हमें ए डैश दिया हुआ है और बी डैश दिया हुआ है आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे ए दिया है या ए डैश दिया है यहाँ पर हमें ए डैश दिया है तो पहले हम इससे क्या निकाल लेते हैं ए निकाल लेते हैं तो इसका हम डैश कर देंगे तो क्या हो जाएगा पहली पंक्ति स्तंभ में चेंज और दूसरी पंक्ति भी स्तंभ में चेंज तो ये वैल्यू किसकी है अब ए की क्लियर तथा तो बी बराबर क्या दिया हुआ है हमें माइनस वन वन ज़ीरो और टू अब ये ए की वैल्यू है ये बी की वैल्यू है ये ए डैस की वैल्यू है हमें क्या किसका मान ज्ञात करना है हमें निकालना है ए प्लस टू बी का डैस निकालना है तो पहले हम ए प्लस टू भी निकाल लेते हैं तो ए की वैल्यू क्या है ये रही माइनस टू थ्री वन टू प्लस टू की टू करनी है बी की वैल्यू ये रही माइनस वन वन ज़ीरो और टू ओके तो अब हम इन्हें ऐड करके लिख देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस टू थ्री वन और टू और टू के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस टू जीरो टू और टू जो फोर तो इसे जोड़ के क्या आ जाएगा माइनस टू और माइनस टू माइनस का फोर वन प्लस जीरो वन थ्री प्लस टू फाइव टू प्लस फोर सिक्स क्लियर हमें वैल्यू किसकी निकालनी है ए प्लस टू बी के होल्डैस की ए प्लस टू बी का होल डैश जो किसके बराबर आ जाएगा देखिए ए प्लस टू बी की वैल्यू ये है इसका डैश निकालेंगे यानी इसका परिवर्त तो जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी तो क्या करेंगे हम माइनस फोर और वन फर्स्ट रो को कॉलम में लिख दिया अब सेकंड रो को भी कॉलम में लिख देंगे फाइव और सिक्स तो बस ये आ गया हमारा इसका आंसर ओके अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव ए तथा बी आव्यू के लिए सिद्ध कीजिए कि की ए बी का डैश बराबर होगा बी डैश और ए डैश के यानी हमें प्रूव तो यही करना है बट हमें इसी दो पार्ट में प्रूफ करना है क्वेश्चन नंबर वन के लिए भी ही प्रूफ करना है क्वेश्चन नंबर टू में भी ही प्रूफ करना है तो पहले हम करते हैं फर्स्ट के लिए प्रूफ राइट right? तो क्या करना है ए बी तो पहले हम ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं ए बी की वैल्यू कितनी होगी ज़ीरो वन सॉरी पहले क्वेश्चन नंबर वन के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर है वन माइनस फोर एंड थ्री डॉट बी है माइनस वन टू और वन इनकी इंटू करके लिखेंगे क्या होगा वन की माइनस वन में माइनस वन वन की टू में टू वन की वन में वन माइनस फोर की माइनस वन के साथ फोर माइनस टू के साथ माइनस एट प्लस वन के साथ माइनस फोर थ्री की माइनस वन के साथ माइनस थ्री थ्री टू जो सिक्स और थ्री वन जो थ्री ये तो आ गई हमारी इंटू ओके अब हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है ए बी का डैस तो ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए बी की इंटू ये रही इसका डैश यानी इसका परिवर्तन करना है तो फर्स्ट रो को कॉलम में लिख दो माइनस वन टू और वन फिर सेकंड रो को कॉलम में लिख दो फोर माइनस एट और माइनस फोर उसके बाद थर्ड रो को कॉलम में लिख दो माइनस थ्री सिक्स और थ्री ओके अब राइट हैंड साइड के लिए चाहिए हमें बी डैस और ए डैस क्योंकि उनकी हमें करनी है इंटू तो अब हमें क्या चाहिए बी डैस तो बी डैस हम बी से निकालेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बी की वैल्यू कितनी है माइनस वन टू और वन इसका डैश कर देंगे यानी इसका परिवर्तित तो कॉलम में आ जाएंगी माइनस वन टू एंड वन तथा ए डैस ए डैस क्या हो जाएगा ए डैस हमें क्या गिवन है वन माइनस फोर और थ्री तो ये किस में लिख जाएगा पंक्ति में राइट तो माइनस माँण, वन माइनस फोर एंड थ्री अब हमें करनी है बी डैस ए बी डा सॉरेटा इसकी गुना करेंगे माइनस वन टू वन वन माइनस फोर एंड थ्री इंटू करो क्या आ जाएगा माइनस वन के वन में करेंगे माइनस वन माइनस वन की माइनस फोर में करेंगे फोर माइनस वन के थ्री में करेंगे माइनस थ्री टू के वन में करेंगे टू टू के माइनस फोर में करेंगे तो ये राइट हैंड साइड कर रहे हैं अब हम ओके टू के माइनस फोर में माइनस एट और टू की थ्री में सिक्स अब वन के वन में वन वन के माइनस फोर में माइनस फोर और वन के थ्री में थ्री तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के यानी इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के तो ये करना था प्रूफ। हमें प्रूफ अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड लेट्स सी देखिए अब हमें सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सेकेंड क्वेश्चन में हमें दिया है ए इक्वल्स टू जीरो वन टू तथा बी इक्वल्स टू दिया है वन फाइव एंड सेवन ओके okay. और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है ए बी का डैश इक्वल्स टू प्रूफ करना है ये हमें बी डैश और ए डैश तो हम क्या करेंगे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड के करें लिए प्रूफ करेंगे तो ए बी का डैश निकालना है ना तो पहले ए डॉट बी निकाल लेते हैं ए ज़ीरो वन टू बी कितना है वन फाइव सेवन तो मल्टीप्लाई करो ज़ीरो के वन में जीरो के तो सब में जीरो ही हो जाएगी वन की करेंगे तो वही वैल्यूज लिख जाएंगी और टू टेन और फोर्टीन अब इसका डैश निकालेंगे तो इसका डैश हो जाएगा ये जो ज़ीरो जीरो एक पंक्ति में लिखें अभी इस स्थम्भ में आ जाएंगी वन फाइव सेवन और थर्ड रो भी किस में चेंज हो जाएगी इस में ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है अब राइट हैंड साइड लिखेंगे राइट हैंड साइड में हमें करनी है बी डैस डोट ए देखिए बी डैस बी क्या है वन फाइव सेवन वन फाइव सेवन इसे किस में लिख देंगे स्तंभ में तो ये क्या आ गया बी की वैल्यू डोट ए डैश अब ए देखिए एक लिखा है जीरो वन टू तो ये किस में लिख जाएगी जीरो वन टू किस में लिखी है स्तंभ में ये लिख जाएगी पंक्ति में ज़ीरो वन टू और अब इनकी कर देंगे हम इन टू तो ये किसके बराबर आ जाएगी वन के ज़ीरो में करेंगे ज़ीरो वन के वन में करेंगे वन वन की टू में करेंगे टू फाइव के ज़ीरो में ज़ीरो फाइव की वन में फाइव फाइव टू जो टेन सेवन के ज़ीरो में जीरो सेवन वन जो सेवन सेवन टू जो फोर्टीन क्लियर ठीक इसके बराबर आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड आप इसमें देख सकते हैं तो बस यही करना है हमें इसमें प्रूफ ओके अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स इसमें हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है तो भाई प्रूफ करना है ए डैश डॉट ए इक्वल्स टू आई तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए हमें एडा चाहिए सबसे हम पहले लिख लेते हैं दिया है तो हमें दिया है इक्वल्स टू कोसेल्फ़ा साइन एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा और अल्फा क्लियर ओके और हमें क्या करना है ये हमें दिया हुआ है हमें ए डैस चाहिए तो हम एडा निकाल लेते हैं तो कोस अल्फा और साइन अल्फा किस में आ जाएंगे अब में पहले कोस अल्फा अपॉन में साइन अल्फा यहाँ पर माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा हमने क्या किया फर्स्ट पंक्ति को रो में और फिर दूसरी पंक्ति को कॉलम में दोनों पंक्तियों को कॉलम में चेंज कर दिया अब हम यहाँ से लेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ये हो जाएगी एडैस डॉट ए कि एडैस एडाश हमारे ये है कोसेल्फा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा टू ए की वैल्यू ये रही कोस अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा और कोस अल्फा और इनकी मल्टीप्लाई करने पे बनना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम सभी जानते हैं क्या होता है वन जीरो जीरो वन वाला टू बाई टू का चाहिए वन जीरो जीरो वन क्योंकि यहाँ पे ये भी दो बाई दो को मैट्रिक्स है ये भी दो बाई दो को मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इतने ही कोटि का माना जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में कोस अल्फा की कोस अल्फा में करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर एल्फा माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा और साइन स्क्वायर एल्फा प्लस का साइन स्क्वायर एल्फा अब सेकेंड रो में करेंगे तो कोस अल्फा इंटू साइन एल्फा और माइनस का साइन अल्फा इंटू कोस एल्फा आप स्किप करेंगे यानी सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम में तो साइन की कोस से करेंगे साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा और साइन अल्फा इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस कोस स्क्वायर अल्फा त्रिकोणमितीय त्रिकोणमित तो फंक्शन से हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है वन यहाँ पर आप, आप अल्फा मान सकते हैं थीटा मान सकते हैं डजेंट मैटर ओके तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी वन ये कैंसिल होके ज़ीरो ये भी कैंसिल होके जीरो वैल्यू क्या हो जाएगी वन जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है यानी इक्वल्स टू है राइट हैंड साइड और यही करना था हमें प्रूफ तो ये गया हमारा आंसर ओके okay. तो इसको प्रश्न नंबर सिक्स का जो सेकंड पार्ट है वो भी इसी कंसेप्ट बेस्ड है यहाँ पर भी हमें क्या करना है हमें दिया है एक्वल्स टू साइन कोस अल्फा माइनस अल्फा और साइन अल्फा अब हम निकालेंगे इसका परिवर्त परिवर्त क्या हो जाएगा अल्फा और अल्फा अब किसमें लिखे जाएंगे स्तंभ में ऊपर किस में लिखे पंक्ति में अब हमने किस में लिख दिया स्तंभ में ऐसी लिखे पंक्ति में इन्हें भी किसमें लिख देंगे स्तंभ में क्लियर अब क्या लेंगे अब लेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो लेफ्ट हैंड साइड है ए डॉट ए ए डैस डॉट ए तो अब लिखा लेफ्ट हैंड साइड जो कि बराबर है ए डैस डॉट ए तो ए डैस की वैल्यू ये रही साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा और साइन अल्फा ए की वैल्यू ऊपर वाली है साइन अल्फा और क्या है कोसेल्फा माइनस कोस अल्फ़ा और साइन अल्फा ओके अब करेंगे इनकी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कैसे करते हैं फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ साइन अल्फा की साइन अल्फा में तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस से माइनस ख़त्म प्लस कोस अल्फा ओके अब क्या करेंगे फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन अल्फा की कोस अल्फा में यानी साइन अल्फा डॉट कोस अल्फा और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस कोस अल्फा और साइन अल्फा यानी साइन अल्फा कोस अल्फा किधर भी लिख लीजिए ओके okay. अब क्या करते हैं सेकेंड पंक्ति की फर्स्ट कॉलम में तो कोस अल्फा के साइन अल्फा में करेंगे कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा उसके बाद साइन अल्फा की कोसल्फा में करेंगे माइनस साइन अल्फा इंटू कोसल्फा अब दूसरी पंक्ति की दूसरे स्तंभ में करेंगे कोसल्फा के कोसल्फा में कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा के साइन अल्फा में साइन स्क्वायर अल्फा ओके तुम जानते हैं त्रिकोणमित तो है? फलन से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वस टू क्या होता है वन ये कैंसिल होकर हो जाएगा जीरो ये भी कैंसिल होकर जीरो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी वन जो कि बराबर है किसके आइडेंटिटी मैट्रिक से यानी इक्व टू है किसके राइट हैंड साइड के एंड ये हो गया हमारा देखिए दोस्तों जब भी बात की जाती है कि विषम का योगफल ज्ञात कीजिए तब हम इस तरीके से की वैल्यू निकालते हैं और फिर विषम समित के निकालते हैं देन उन्हें जोड़ के लिख लेते हैं मतलब इस इक्वेस्ट टू मान लेते हैं पी के इस इक्वेस्ट टू मान लेते हैं क्यू के और लिख देते हैं पी प्लस क्यू बट अगर नॉर्मली आपसे कहा कोई भी आपको मैट्रिक्स दिया जाए जैसे कि वन टू टू और वन क्लियर और हमसे कहा जाए कि प्रूव कीजिए कि एक सममित आव्यूह है तो हम सिंपल इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये हो जाएगा वन टू टू वन ठीक है जो कि बराबर किसके आ गया ए के तो बस ये सममित आव्यूह माना जाता है और अगर ये इक्वल्स टू हो जाता है माइनस ए के तो क्या माना जाता है विषम सममित आव्यूह चलिए देखते हैं क्वेश्चन से तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर सेवन है इसमें हमें क्वेश्चन फर्स्ट में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए जो है एक सममित आव्यूह होगा तो आप इसे सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं कि माना माना के दिए ही आपको इक्वल्स टू वन माइनस वन फाइफ माइनस वन टू एंड वन फाइव वन और थ्री तो हम क्या करेंगे इसका ट्रांसपोज निकालेंगे यानी ए टी या फिर ए डैश यहाँ पे डैश भी हो सकता है और टी भी हो सकता है टी का मतलब भी आप मतलब उसी होता है ट्रांसपोजी से और परिवर्त से और डैश का मतलब भी क्या होता है परिवर्त तो परिवर्त का मतलब हम सभी जानते हैं क्या होता है कॉलम में चेंज करना तो इसे हम कर देते हैं फर्स्ट वन माइनस वन और उसके बाद फाइव ये क्या हो जाएगा माइनस वन उसके नीचे टू देन वन लास्ट में फाइव वन और थ्री तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है वापस किसके इक्वल आ गया है ए के तो हम कह सकते हैं अतः है ए क्या है ए एक सममित आव्यूह है ओके तो बस ये करना है मैं प्रूफ आप देखिए इसका सेकंड पार्ट इसमें क्या दिया गया है इसमें भी कहा गया है कि सिद्ध करना है कि ये एक विषम आव्यूह है तो क्योंकि अगर एक या जो ट्रांसपोज है वो इक्वल आ जाए ए के तो आव्यूह होता है और अगर आ जाए माइनस ए के तो क्या होता है विषम आव्यूह लेट सी हमें दिया है ए इक्वल्स टू ज़ीरो माइनस वन एंड वन वन ज़ीरो माइनस वन माइनस वन वन और ज़ीरो क्लियर हम क्या करेंगे इसका ट्रांसपोज निकालेंगे या फिर इसका परिवर्तन निकालेंगे क्लियर तो देखिए ये क्या हो जाएगा ज़ीरो उसके बाद वन और उसके बाद माइनस वन फिर दूसरी पंक्ति को स्तंभ में लिखेंगे तो माइनस वन ज़ीरो और वन उसके बाद तीसरी पंक्ति को स्तंभ में लिखेंगे वन माइनस वन एंड ज़ीरो ओके तो हम जानते हैं यहाँ पर मैं आपको ऑलरेडी लिख देती हूँ कि अगर मैं यहाँ से माइनस ए की वैल्यू निकालूँ मतलब ये मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ ठीक है जिससे कि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे तो क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा माइनस का वन ये हो जाएगा प्लस का वन ये क्या हो जाएगा प्लस का वन ये हो जाएगा जीरो ये माइनस का वन ये माइनस का वन ये प्लस का वन और ये जीरो तो आप यहां पे देख सकते हैं कि जो हमारी वैल्यू है ये माइनस एक इक्वल आ रही है राइट तो बस तो हम क्या लिखेंगे अतः ए एक कैसा आवी है विषम सम्मित आव्यू है यदि वैल्यू प्लस ए के इक्वल टू आती तो कैसा आव्यू होता है सम्मित आव्यू और अगर माइनस एक इक्वल आ रही है तो क्या होगा विषम सम्मित आव्यू होगा क्लियर इसमें हमें करना है अब देखिए यहाँ पर हमसे कहा गया है कि ए जो है ए एक मैट्रिक्स से दो बाय दो का इसके लिए सिद्ध करना है कि ए प्लस एडा एक सम्मित आव्यू और ए माइनस विषम सिक्सित आव्यू है ओके तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमें दिया क्या है हमें दिया है a टू वन सिक्स फाइव सेवन ओके तो इसका परिवर्त क्या हो जाएगा परिवर्त मतलब ए डैस तो ये हो जाएगा वन फाइव सिक्स और सेवन रो कॉलम में चेंज हो जाएंगी तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट वाले फर्स्ट का सॉल्व करते हैं फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या है ए प्लस ए डैश इसकी वैल्यू निकालनी है तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास वन सिक्स फाइव और सेवन प्लस ए डैश की वैल्यू क्या है वन फाइव सिक्स एंड सेवन इनको सोल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा वन प्लस वन टू फाइव प्लस सिक्स इलेवन सिक्स प्लस फाइव इलेवन और सेवन प्लस सेवन फोर्टीन क्लियर तो हम लिख सकते हम लिख देंगे कि ए प्लस ए डैस कैसा आव्यू है एक सम्मिट आव्यू है हमने कर दिया प्रूफ उसके बाद क्या करेंगे सेकंड वैल्यू निकालेंगे तो सेकंड वैल्यू क्या आ जाएगी सेकंड में हमें दिखाना है ए माइनस ए डैस एक विषम सम्मिट आव्यू है तो ए की वैल्यू क्या है वन सिक्स फाइव और सेवन माइनस एड एक्स की वैल्यू है वन फाइव सिक्स और सेवन माइनस करने पर आ जाएगा वन माइनस वन जीरो सिक्स माइनस फाइव माइनस वन सिक्स माइनस फाइव वन उसके बाद सेवन माइनस सेवन जीरो तो बस ये कैसे एक आवि हो जाएगा विषम सम्मिताव्यू देखिए प्रश्न नंबर नौ में हमें क्या करना है हमें एक की आवि दिया है तो हमें वन बाई टू ए प्लस एड एक्स की वैल्यू तथा वन बाई टू ए माइनस एड एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है में दिया है ए इक्वल्स टू जीरो माइनस ए माइनस बी ए ज़ीरो माइनस सी बी सी जीरो ओके और हमारा ए एस क्या हो जाएगा तो ए एस क्या हो जाएगा इसका ट्रांसपोज तो ये जो हमारी पहली पंक्ति है इसे कॉलम में लिख देंगे जीरो ए बी फिर दूसरी पंक्ति को दूसरे कॉलम में लिख देंगे माइनस ए सी फिर तीसरे पंक्ति को तीसरे कॉलम में लिख देंगे माइनस बी माइनस सी और ज़ीरो ओके अब हमें जिसके मान ज्ञात करने हैं वो निकाल देते हैं पहले हमें निकालना है वन अपॉइंट टू ए प्लस ए डैस जो कि बराबर हो जाएगा वन अपॉइंट टू ए मैट्रिक्स की वैल्यू ज़ीरो माइनस ए माइनस बी ए ज़ीरो माइनस सी बी सी ज़ीरो और प्लस कर देनी है ए डैस क्या है ज़ीरो ए बी माइनस ए ज़ीरो सी माइनस बी माइनस सी और ज़ीरो ओके तो सबसे पहले हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने पे क्या आ जाएगा ज़ीरो ए माइनस ए जीरो बी माइनस बी ज़ीरो ए माइनस ए ज़ीरो 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 सी माइनस सी ज़ीरो माइनस बी जीरो सी माइनस सी ज़ीरो तो सब कुछ जीरो ही आ गया ओके okay, अब टू से डिवाइड करेंगे तो ओबीसी सब ज़ीरो जीरो ज़ीरो ही आएंगे तो ये तो हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर वन की वैल्यू आप सेकेंड देखिए हाँ जी सेकंड पार्ट में इसको प्रूफ करना है वन अपॉन टू ए माइनस एड इसकी वैल्यू निकालनी है माइनस मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ए की वैल्यू लिख दी पीछे से देख के अब ए लिखना है तो एड के क्या है इसी को चेंज करके लिख दो जीरो ए बी माइनस ए जीरो माइनस सी माइनस बी माइनस सी एंड जीरो अभी इन्हें करना है माइनस तो कर देते हैं माइनस क्या हो जाएगा जीरो में से ज़ीरो गई जीरो, गए, जीरो ए माइनस और माइनस का ए टू ए बी माइनस और माइनस का बी टू बी माइनस का ए माइनस का ए माइनस का टू ए ज़ीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो सी और प्लस सी टू सी माइनस बी और माइनस बी माइनस का टू बी माइनस सी और माइनस सी और माइनस और माइनस का सी ये हो जाएगा जीरो क्योंकि कट जाएगा ना प्लस को जाएगा माइनस का जीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो अब टू से डिवाइड दे देंगे तो हमारी वैल्यू क्या देगी? जीरो ए बी माइनस का ए जीरो सी माइनस का बी जीरो और जीरो तो आ गया हमारे आंसर सो आई होप आपको समझ में आए हो फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे बताएं वन मिनट जरा इसे चेक करते माइनस का सी देखिए यहां पर माइनस का ए फिर जीरो फिर क्या था सी ये प्लस का सी है मैं वही सोच रही थी कि यहाँ पे सी आएगा फिर माइनस का सी और माइनस का सी एड होकर माइनस का टू सी फिर टू सी टू कटे यहाँ पे बचेगा सी किसका माइनस का ओके अब देखिए हमें एक मैट्रिक्स दे दिया गया है इसे एक सममित आव्यु तथा तो एक विषम सममित समितव्यु के योगफल के रूप में व्यक्त करना है तो इस टेप का मैंने आपको एक एग्जाम्पल कराया था पिछली वीडियो में ओके तो आप उसे देख लीजिएगा तो सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं माना ए बराबर थ्री वन फाइव और माइनस वन ओके तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा ए डैश इसका परिवर्त थ्री और फाइव कॉलम में लिख देंगे उसके बाद वन और माइनस वन को भी कॉलम में लिख देंगे तो हमारे पास ए और ए डैश आ गया अब हम सबसे पहले पी इक्वल्स टू मान लेते हैं माना पी इक्वल्स टू वन अपॉन टू ए प्लस ए डैश क्लियर ये क्या है एक आव्यूह है तो यहाँ पर हम लिखेंगे वन अपॉइन टू ए की वैल्यू थ्री वन फाइव माइनस का वन प्लस ए डैश की वैल्यू थ्री फाइव वन और माइनस का वन ओके अब इसे सॉल्व करेंगे वन अपॉन्ट टू थ्री प्लस थ्री सिक्स फाइव प्लस वन सिक्स वन प्लस फाइव सिक्स माइनस वन माइनस वन माइनस का टू और टू से डिवाइड देने पे क्या आ जाएगा थ्री 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 और ये क्या आ जाएगा माइनस का वन तो ये कैसा आ गया एक सममित आव्यू क्लियर आप क्या करेंगे आप क्यू इक्वल्स टू मानेंगे विषम सम्मित आव्यू तो विषम सम्मित आव्यू के लिए होता है वन माइनस वन अपॉइंट टू ए माइनस ए डैस जब भी योगफल के रूप में हमें निकालना हो तो हम क्या करते हैं हमें दो प्रॉपर्टी लगाते हैं देखिए सममित आव्यू के लिए वन अपॉइंट टू बी प्लस बी डैस क्योंकि इसका ना बी था इसलिए यहाँ पे ए है तो इसलिए ए प्लस ए डैस और विषम समित के लिए वन अपॉन टू बी माइनस बी डैस तो हमने क्यू इक्वल्स टू मान लिया ये तो इसके लिए क्या करेंगे वन अपॉन टू ए क्या है थ्री वन फाइव माइनस वन माइनस ए डैस क्या है थ्री फाइव वन और माइनस वन इक्वल्स टू वन टू ओके थ्री माइनस थ्री जीरो फाइव माइनस वन फोर वन माइनस फाइव माइनस का फोर वन माइनस और ये माइनस वजह से प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा जीरो क्लियर टू से डिवाइड देने पे इसमें आ जाएगा जीरो टू माइनस टू और जीरो तो ये बराबर किसके आ जाएगा एक विषम सम्मित आव्यूह के एक विषम सम्मित आव्यूह है।, 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 है ओके अब क्या करना है अब हमें निकाले इनका योगफल यानी कि पी प्लस क्यों क्योंकि पी हमारा सम्मित आव्यू है Q भी समित आव्यू है पी की वैल्यू थ्री 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 माइनस वन तो लिख देते हैं थ्री 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 माइनस वन उसके बाद प्लस का साइन और उसके बाद क्या लिखना है क्यों की वैल्यू क्योंकि वैल्यू क्या है जीरो माइनस टू टू और जीरो बस इसी यहीं पे लिख के और इतना ही लिख देते हैं आंसर अब देखिए ये इसका सेकंड पार्ट है ठीक है तो इसका सेकंड क्वेश्चन है इसमें भी हमें क्या करना है समितावे विषम समितावे के योगफल याद करना है तो सबसे पहले मान लेते हैं माना ए बराबर क्या हो जाएगा सिक्स माइनस टू टू माइनस टू थ्री माइनस वन टू माइनस वन थ्री ओके कोमा ए डैस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए डैस यानी इसका परिवर्त सिक्स माइनस टू टू इसे हम कॉलम में लिख देंगे उसके बाद दूसरी पंक्ति को कॉलम में लिख देंगे माइनस टू थ्री और माइनस वन फिर तीसरी पंक्ति को कॉलम में लिख देंगे टू माइनस वन और थ्री ओके ओके अब क्या करना है अब पी इक्वल्स टू लिखना है वन अपॉइंट टू ए प्लस एड एस तो ये बराबर हो जाएगा वन अपॉइंट टू ए की वैल्यू क्या है सिक्स माइनस टू टू, टू माइनस टू थ्री माइनस वन टू माइनस वन एंड थ्री उसके बाद प्लस का साइन ए ड की वैल्यू है सिक्स माइनस टू एंड टू माइनस टू थ्री माइनस वन टू माइनस वन और थ्री उसके बाद क्या करना है वन अपॉन टू सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व माइनस टू और माइनस टू माइनस का फोर टू प्लस टू फोर माइनस टू माइनस टू माइनस का फोर थ्री प्लस थ्री सिक्स माइनस वन और माइनस वन माइनस का टू अब टू प्लस टू फोर माइनस वन और माइनस वन माइनस का टू थ्री प्लस थ्री सिक्स टू से डिवाइड देने पर क्या आ जाएगा सिक्स माइनस टू टू माइनस टू थ्री माइनस वन टू टू जो फोर टू वन जो टू टू थ्री जो सिक्स टू से डिवाइड दे दिया हमने प्रत्येक अवयव को तो ये हमारा क्या आ गया एक सममित आवयू है ओके विषम समित समितव्यू के लिए लिखेंगे हम विषम समित समितवयू के लिए हमने माना क्यों इक्वल्स टू वन अपॉन टू और ए माइनस ए डैस तो इक्वल्स टू वन पॉइंट टू ए की वैल्यू क्या है सिक्स माइनस टू टू माइनस टू थ्री माइनस वन टू माइनस वन थ्री माइनस एड एस की वैल्यू क्या है सिक्स माइनस टू टू माइनस टू थ्री माइनस वन टू माइनस वन थ्री ओके अब इन्हें करेंगे माइनस तो वन अपॉइंट टू ऐसे लिख देंगे सिक्स माइनस सिक्स ज़ीरो माइनस टू और प्लस टू ज़ीरो टू माइनस टू ज़ीरो माइनस टू और ये हो जाएगा प्लस टू ज़ीरो थ्री माइनस थ्री जीरो माइनस वन और प्लस का वन हो जाएगा ज़ीरो टू माइनस टू ज़ीरो माइनस वन और माइनस वन ज़ीरो थ्री माइनस थ्री ज़ीरो तो ये इक्वल्स टू क्या आ जाएगा जीरो ज़ीरो 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 क्या है एक विषम समित आव्यूह विषम समित आव्यूह अब हमें क्या लिखना है इनका योगफल लिखना है तो योगफल के लिए हम क्या लिख देते हैं पी प्लस क्यू क्योंकि पी समित आव्यू है और क्यों क्या है विषम समित आव्यू तो पी की वैल्यू क्या थी सिक्स माइनस टू टू माइनस टू थ्री माइनस वन टू माइनस वन एंड थ्री प्लस क्यों की वैल्यू क्या है ज़ीरो 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 जीरो ज़ीरो 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 एंड ज़ीरो बस ये आ गया हमारा आंसर ओके सो आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चन क्लियर होंगे तो चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब क्वेश्चन नंबर टेन का ही क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये तो सबसे पहले हमारा वही स्टेप माना ए इक्वल्स टू क्या है थ्री माइनस टू माइनस फोर थ्री माइनस टू माइनस फाइव माइनस वन वन और टू और एड एस क्या हो जाएगा एड एस में पंक्ति को स्तंभ में चेंज करके लिख देंगे तो क्या पहली पंक्ति क्या है थ्री थ्री माइनस वन दूसरी पंक्ति माइनस टू माइनस टू वन तीसरी पंक्ति माइनस फोर माइनस फाइव एंड टू ओके अब क्या करना है अब पी इक्वल्स टू होता है वन अपॉन टू ए प्लस ए डैस इक्वल्स टू वन अपॉइंट टू ए की वैल्यू थ्री माइनस टू माइनस फोर थ्री माइनस टू माइनस फाइव माइनस वन वन और टू प्लस ए डैस क्या है a एस है थ्री थ्री माइनस वन माइनस टू माइनस टू वन माइनस फोर माइनस फाइव एंड टू ये हो जाएगा वन अपॉन टू इनको जोड़ देंगे थ्री प्लस थ्री सिक्स थ्री माइनस टू वन 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 और माइनस का वन दोनों माइनस का वन और माइनस का फोर इज माइनस का फाइव माइनस टू और प्लस का थ्री वन प्लस माइनस टू माइनस टू माइनस का फोर वन और माइनस फाइव माइनस का फोर माइनस फोर माइनस वन माइनस का फाइव माइनस फाइव और प्लस का वन माइनस का फोर टू और प्लस टू फोर ओके टू से डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा थ्री वन माइनस का फाइव बाई टू वन बाय टू यहाँ पे भी वन बाय टू माइनस का टू माइनस का टू माइनस का फाइव बाई टू और माइनस का टू एंड टू ओके तो ये हमारा क्या आ जाएगा एक सम्मित आवियो एक समित आव्यू है अब क्या निकालना है विषम समितब निकालेंगे तो विषम समितब के लिए क्या करेंगे क्यों इक्वल्स टू वन अपॉन टू ए माइनस ए डैस तो हो जाएगा वन अपॉन टू ए की वैल्यू पुट कीजिए ए की वैल्यू थ्री माइनस टू माइनस फोर थ्री माइनस टू माइनस फाइव माइनस वन वन एंड टू देन माइनस ए डैस एड एस क्या हो जाएगा थ्री थ्री माइनस वन माइनस टू माइनस टू वन और थर्ड रो को भी चेंज करके लिख दीजिए माइनस फोर माइनस फाइव और टू ये हो गया हमारा एट एस क्लियर अब वन अपॉन्ट टू अब कि जिन करेंगे ना माइनस थ्री माइनस का थ्री जीरो थ्री माइनस और माइनस का टू फाइव माइनस वन और प्लस का फोर थ्री माइनस का टू और माइनस का थ्री माइनस का फाइव माइनस टू और प्लस का टू ज़ीरो वन और प्लस का फाइव प्लस के वन और प्लस का फाइव प्लस के कितना जाएंगे सिक्स माइनस फोर और प्लस वन माइनस फोर और प्लस वन इज़ माइनस थ्री माइनस फाइव और माइनस का वन माइनस के सिक्स टू और माइनस टू ज़ीरो तो ये आ हाँ जाएगा डिवाइड देने पे ज़ीरो फाइव बाई टू थ्री बाई टू माइनस फाइव बाई टू ज़ीरो थ्री माइनस थ्री बाई टू माइनस थ्री एंड ज़ीरो क्लियर तो ये क्या हो जाएगा इसमें हम लिख देंगे एक समित आवयु है आप क्या करना है अब इनका योगफल लिखना है तो देखिए योगफल लिख देते हैं P प्लस क्यू पी एक सम्मित है, क्यू एक विषम सम्मित आवयु है P की वैल्यू क्या आई थी P की वैल्यू थी थ्री वन upon टू माइनस फाइव बाई टू वन upon टू माइनस टू माइनस टू माइनस फाइव बाई टू माइनस टू एंड टू देन प्लस क्योंकि वैल्यू क्या है ज़ीरो फाइव बाई टू थ्री बाई टू माइनस फाइव बाई टू ज़ीरो थ्री माइनस थ्री बाई टू माइनस थ्री एंड ज़ीरो ओके तो यहाँ पर हमने जो वैल्यू पुट कर दी है और तो ये देखिए ये हमने लिख दिया है सम्मित तो और विषम सम्मिताव्यू के योगफल के रूप में तो बस यही हो जाएगा इसका आंसर चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इसी का क्वेश्चन नंबर फोर्थ है तो वही प्रोसीजर जो हम करते आ रहे हैं सही सेम फॉलो करते हुए माना ए इक्वल्स टू वन माइनस वन फाइव और टू ओके उसके बाद एडैस क्या हो जाएगा ए डैस हो जाएगा वन और फाइव को किस में लिख देंगे कॉलम में माइनस वन और टू को भी लिख देंगे कॉलम में तो इसका हो गया एडास उसके बाद क्या करना है अब पी इक्वल्स टू होता है वन अपॉन टू ए प्लस एड एस जो कि एक समेत आव्यू होता है तो हो जाएगा वन अपॉन टू ए माई वन माइनस वन फाइव और टू प्लस ए डैस है वन फाइव माइनस वन और टू तो वन अपॉन टू को ऐसे लिख देंगे और इन्हें जोड़ देंगे वन प्लस वन टू फाइव माइनस वन फोर माइनस वन और फाइव फोर टू प्लस टू फोर और टू से डिवाइड करने पर हमारा आंसर आ जाएगा वन टू टू एंड टू ये एक हो जाएगा यह है एक समित आवियु है ओके आप करेंगे विषम समित आवियो क्यू इक्वल्स टू वन अपॉन टू ए माइनस एट एस ये हो जाएगा वन अपॉन टू ए है वन माइनस वन फाइव एंड टू माइनस एट एस है वन फाइव माइनस वन एंड टू वन अपॉन टू वन माइनस वन ज़ीरो फाइव प्लस वन सिक्स माइनस फाइव माइनस का फाइव और माइनस का वन माइनस का सिक्स टू प्लस टू फोर और टू से डिवाइड करने पर हमारा आ जाएगा जीरो थ्री माइनस थ्री एंड टू ओके अब क्या करना है अब लिख देंगे यह एक विषम समित आवयू है विषम समित आवयू है अब क्या करना है अब लास्ट में इनका योगफल लिखना है तो लिखेंगे p प्लस क्यू इक्वल्स टू पी की वैल्यू है वन टू टू और वन प्लस क्यू की वैल्यू है जीरो माइनस थ्री थ्री और जीरो सॉरी यहाँ पर टू है ये देखिए ओके तो बस ये हमने इसके योगफल के रूप में लिख दिया है आंसर अब देखिए क्वेश्चन ग्यारह और बारह में बहुविकल्प है टिक द करेक्ट वाले क्वेश्चन है तो इसमें हमें टिक करना है तो क्वेश्चन नंबर ग्यारह है यदि ए तथा बी समान कोटि के सम्मित आवयु हैं यानी कोटियाँ क्या है इनकी समान है तो ए बी माइनस बी क्या होगा अब मैंने आपसे कहा था जब भी माइनस आए तो विषम सम्मित होता है प्लस आए तो सम्मित होता है तो सिंपल सी बात है एक विषम सम्मित आवयु होगा क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यदि ए बराबर ये है तथा ए प्लस ए डैस बराबर है आई तो अल्फा का मान क्या होगा ये हमें एक इक्वेशन दे दी गई है ए प्लस ए डाइस इक्वल्स टू आई तो अल्फा का मान होगा पाई बाई थ्री यदि आप चाहते हैं कि मैं इसका आपको सॉल्यूशन बताऊं कि किस तरीके से सॉल्व करके होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और नेक्स्ट वीडियो में इसका आपको आंसर करा दिया जाएगा सो so थैंक अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो